मूवी में हमें दिखाया गया है कि अर्थ का बहुत बुरा हाल है, क्लाइमेट पूरी तरह चेंज हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं और कुछ देशों में टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हिट की वजह से सिर्फ 10 मिनट में ही 20 से 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। कुछ देशों में बहुत ज्यादा सुनामी आने की वजह से लोग उसमें बहते जा रहे हैं और दूसरी जगह पर जमीन पर इतना ज्यादा सूखापन है, जमीन इतनी ज्यादा बंजर है कि लोग पानी के बगैर मर रहे हैं। दूसरी कई सारी जगहों पर फ्लड यानी सैलाब आ गया है और ऐसा ही हाल बाकी कुछ देशों का था, यानी पूरी दुनिया का ही ऐसा हाल था। तो इस चीज का सलूशन ढूंढने के लिए 27 देश आगे आती है और वो अपने सबसे ज्यादा अच्छी साइंटिस्ट को भेजकर एक टीम बनाते हैं। अब उन साइंटिस्ट का एक लीडर था जो कि काफी इंटेलिजेंट था और उसका नाम जेक था। अब ये सब मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट बनाते हैं जो जमीन के बिगड़े हुए इस एनवायरनमेंट और नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली इस मन सैटेलाइट का नाम डच बॉय रखा जाता है और ये एक काफी बड़ी सैटेलाइट थी जो कि अर्थ के अराउंड घूमती रहती थी और फिर देखते ही देखते वो अर्थ की खराब कंडीशन को कंट्रोल करने लगती है। अब जो डच बॉय था वो मन सैटेलाइट था। अब इतने सारे देश है दुनिया में तो हर एक को अपना क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट की जरूरत थी, इसीलिए डच बॉय के थ्रू हर देश को एक एक सैटेलाइट दिया जाता है जिससे हर देश का सैटेलाइट अपने अपने देश का क्लाइमेट कंट्रोल करेगा। अब जमीन के ऊपर उन सारे सैटेलाइट का एक जाल बन जाता है। अब टच बॉय को बनाने वाला, उसे कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन साइंटिस्ट का लीडर जेक था। अब क्योंकि जेक यूएस से बिलोंग करता था इसीलिए डच बॉय का पूरा कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट लेना चाहती थी, लेकिन जेक इस बात के लिए एग्री नहीं होता और वो अपनी मंजूरी नहीं देता, इसीलिए अब यूएस गवर्नमेंट उसके खिलाफ चार्जेस लगा देती है। इसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट डच बॉय को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इसमें गवर्नमेंट का साथ कोई और नहीं बल्कि जेक अपना भाई मैक्स देता है। अब मैक्स खुद ही डच बॉय को मैनेज भी कर रहा था, यानी इसका मतलब यह है कि जेक के भाई ने ही उसे धोखा दिया था। इन बातों की वजह से जेक को काफी बुरा लगता है और उसे काफी गुस्सा आता है। इन सब घटना से उसकी फैमिली भी अब उससे दूर थी। उसकी एक बेटी थी जो कि उसे सिर्फ वीकेंड पर ही मिला करती थी। इसके बाद इस बात को 3 साल गुजर जाते हैं। इन 3 सालों के दौरान अर्थ का वातावरण क्लाइमेट बिल्कुल सेफ रहता है, स्टेबल रहता है, लेकिन तभी हमें अफगानिस्तान का एक गांव दिखाया जाता है जो कि एक रेगिस्तान में था, लेकिन तभी अचानक से उस गांव का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो पूरा का पूरा गांव ही फ्रीज हो जाता है, यानी कि सब लोग बर्फ में तब्दील होकर पुतले बन जाते हैं और गांव के सारे लोग मारे जाते हैं। अब ये बात जानने के बाद यूएस प्रेसिडेंट और कुछ मुखिया लोगों की मीटिंग होती है जहां पर उन्हें डाउट होता है कि शायद टच पॉइंट में खराबी होने की वजह से ही वो पूरा गांव फ्रीज हो गया है, लेकिन अब किसी भी तरह करके उन्हें ये बात छुपानी थी। लेकिन जेक का भाई मैक्स कहता है कि हमें ये बात छुपाने की बजाय डच बॉय को रिपेयर करना चाहिए और इस मिशन के लिए हमें जेक की हेल्प चाहिए होगी क्योंकि वो अकेला ही डच बॉय को बनाने वाला इंसान था। अब मैक्स के कहने पर जेक पहले तो उसे साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर मैक्स यहाँ पर एक ट्रिक आजमाता है। वो कहता है कि डच बॉय को तुमने बनाया है ना, लो अब उसमें खराबी आ गई है, इसीलिए अब किसी भी तरह करके तुम्हें उसे रिपेयर करना होगा। लेकिन जेक को यकीन था कि उसने ऐसी परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग चीज बनाई है जिसका खराब होना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो डच बॉय को चेक करने के लिए रेडी हो ही जाता है। इसके बाद हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है और ये वो जगह थी जहां पर डच बॉय और बाकी सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता था और यहां पर अफगानिस्तान की पुरानी सैटेलाइट को निकालकर नहीं लगाई जाती है। अब जेक एक हफ्ते के बाद वहां पर आने वाला था। जब अफगानिस्तान की पुरानी सैटेलाइट आती है तो एक साइंटिस्ट उसका सारा डेटा ले लेता है और जाकर उसे चुपके से अपने लॉकर में रख देता है, लेकिन जब वो आगे जा रहा होता है तब अचानक से उस एरिया की सारी विंडोज ओपन हो जाती है जिससे वो साइंटिस्ट डीप स्पेस में खींचा चला जाता है, यानी कोई जानबूझकर उसे मार देता है। उसके बाद हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्लाइमेट कंट्रोल के हेडक्वार्टर में हम एक आदमी को देखते हैं और ये आदमी हांगकांग की सैटेलाइट का हेड था। फिर एक दिन वो स्टोर से एक खाने का सामान लेने जाता है, तभी उसके हाथ से अंडे नीचे गिर जाते हैं और तभी वो नोटिस करता है कि वो अंडे गिरते ही फ्राई हो रहे हैं और फिर देखते ही देखते वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है, जमीन फटने लगती है और आग उगलने लगती है बिल्कुल किसी लावा की तरह। तब हांगकांग का वो हेड अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जैसे जैसे वो भाग रहा होता है उसके पीछे की जमीन धंसती जा रही थी। वहाँ से निकलते निकलते वो सिटी से बाहर आ जाता है और आकर वो एक ब्रिज पर रुक जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर रही थी और देखते ही देखते वो पूरा शहर लावा की लपेट में आ जाता है। हर तरफ तबाही मच जाती है, बचने का तो कोई मौका नजर ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर हांगकांग का वो हेड चाइना के डच बॉय का सैटेलाइट एक्सेस करना चाहता था लेकिन वो लॉगिन नहीं हो पाता है। तब वो जल्दी से मैक्स को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करता है।
अब जब मैक्स भी लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो भी लॉगिन नहीं हो पाता है। इसका मतलब साफ था कि उनका पूरा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया था, जिसके वजह से सबकी एक्सेस ब्लॉक हो गई थी। हांगकांग का हेड मैक्स को कहता है कि अगर इसी तरह क्लाइमेट चेंज होता रहा और नेचुरल डिजास्टर आती रही तो लास्ट में जियोस्ट्रॉम आ जाएगा। जियोस्ट्रॉम यानी ऐसा दिन जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और तभी उस हेड की ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं। तब ये देखकर वो हांगकांग का हेड कहीं पर छुप जाता है और जो लोग वहाँ पर आते हैं वो उसके लैपटॉप से सारे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और ये देख के हेड समझ जाता है कि कोई तो इंसान ऐसा है जो डच बॉय पर एक्सेस करके उसे हैक कर रहा है। अब यहाँ पर मैक्स वहीं पर काम करने वाली एक हाइकर की हेल्प से चेक करने के लिए उसे कहता है कि किसने बेईमानी से डच बॉय को एक्सेस कर लिया है, यानी किसने हैक कर लिया है। वहाँ पर मैक्स की एक फ्रेंड भी थी जो कि एक एजेंट थी। फिर दूसरी तरफ जेक अपने मिशन के लिए बिल्कुल रेडी था। अपनी बेटी को उसकी मदर के पास छोड़कर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। वो सही सलामत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अर्थ की ऑर्बिट पे आ जाता है। यहाँ पर जेक को तीन टास्क दिए जाते हैं। सबसे पहले ये कि जो साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन में मर गया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, फिर दूसरा ये कि अफगानिस्तान में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, और तीसरा हांगकांग में होने वाली एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करना। वो कुछ लोगों से मीटिंग करता है और ये सारी बातें क्लियर करता है। फिर वो हर देश के सैटेलाइट को पर्सनली स्कैन करता है कि अगर उसमें कोई ग्लिच आ गई हो तो फिर रिप्लेस कर दिया जाए। अब टोटल 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट थी। फिर आगे जाकर उसे पता चलता है कि सारे मिशन का हेड कोई और नहीं बल्कि उसका भाई मैक्स है और हर रोज उसे सारे इन्फॉर्मेशन देनी है। अब जेक को ये बात काफी बुरी लगती है, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसके बाद जेक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, यानी अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन उस साइंटिस्ट के बारे में जो मर गया था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया था और डीप स्पेस में जाने से पहले उस साइंटिस्ट के हाथ में एक हार्ड डिस्क थी जो अभी भी उस स्पेस स्टेशन के एक हिस्से पर अटकी हुई है। तब जेक और स्टेशन कमांडर अपनी जान पर खेलकर उस हार्ड डिस्क को लेने जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो एक्सीडेंट हांगकांग और अफगानिस्तान में हुआ था वो सैटेलाइट में खराबी की वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर ऑर्डर्स दिए थे सैटेलाइट को ऐसा करने के लिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर ये कर कौन रहा है, इसके पीछे है कौन है। फिर हांगकांग का हेड वहाँ से निकलकर न्यूयॉर्क आ जाता है और वो मैक्स को मिलने के लिए कहता है ताकि वो पूरे मैटर की इन्फॉर्मेशन उसे दे सके। वो मैक्स को मिलने के लिए एक जगह पर बुलवाता है जहाँ पर मैक्स अपनी फ्रेंड यानी उस एजेंट के साथ जाता है। मैक्स और उसकी फ्रेंड वो दोनों ही हांगकांग के हेड को देख लेते हैं जो कि रोड की दूसरी साइड पर खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करने लगता है तो उसके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से हांगकांग का हेड एक गाड़ी से टकरा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मैक्स को बता देता है। दूसरी तरफ जेक और स्टेशन कमांडर उस हार्ड डिस्क का पूरा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने इस सिस्टम में वायरस डाल दिया है जो अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को ऑर्डर दे रहा है और उनके क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ दोबारा से तबाही की तरफ जा रही है। अब जेक मैक्स को मैसेज भेजता है कि अर्जेंटली मीटिंग करनी है, यानी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर जेक मैक्स को सारी बात बता देता है कि किसी ने सिस्टम में वायरस डाल दिया है, इसीलिए डच बॉय जानबूझकर सैटेलाइट्स को ऑर्डर दे रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग देशों में लाइक अफगानिस्तान और चाइना में वेदर बिगड़ गया है। यानी कोई डच बॉय को बिल्कुल किसी वेपन की तरह यूज करके तमाम देशों को खत्म करना चाहता है और कोई स्पेस स्टेशन का आदमी भी इसमें मिला हुआ है और वही है जो डच बॉय में वायरस का प्रोग्राम इंसाइट करता है। और उसको ऑर्डर देने वाला जरूर कोई ना कोई बड़ी अथॉरिटी का आदमी है और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स के सीनियर्स में से कोई एक है। अब या तो मैक्स का बॉस हो सकता है या फिर प्रेसिडेंट। ये सुनकर मैक्स कहता है कि भला प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करना चाहेगा। जैसे पर जेक कहता है कि डच बॉय एक वेपन की तरह यूज हो रहा है और वो सिर्फ उन्हीं देशों को टारगेट कर रहा है जो आज के जमाने में काफी सक्सेसफुल है और आने वाले टाइम में ये सारे देश काफी इम्प्रूव करेंगी और उनकी इकोनॉमी भी काफी अच्छी होगी। इसीलिए अब ये सब कुछ जानने के बाद मैक्स उस हाइकर की हेल्प से उन सारे प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है जो कि उसे हांगकांग के हेड ने बताई थी। जहाँ पर उसे कुछ फाइल्स मिल जाती है और जो कुछ उसे हेड ने बताया था उससे मिलता जुलता कुछ डेटा उस प्रोजेक्ट में रिसीव होता है कि कैसे सक्सेसफुल डेवलप इकोनॉमिकल देशों को डिस्ट्रॉय करना है। अब क्योंकि यह प्रोजेक्ट काफी टॉप सीक्रेट था तो इसीलिए कोई काफी बड़ी अथॉरिटी का आदमी ही इस बड़े लेवल पर ऑपरेट कर सकता है। अब यहाँ पर मैक्स को प्रेसिडेंट पर शक होता है। अब प्रेसिडेंट पब्लिक गैदरिंग के लिए जा रहे थे और मैक्स भी उनके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि टोक्यो में काफी बड़ा हिमस्टॉर्म आ गया है, बड़े बड़े पत्थरों की तरह बर्फ नीचे गिर रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और पूरे सिटी में तबाही भी बहुत ज्यादा हो गई है।
फिर दूसरी तरफ ब्राजील का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा कम होने लगता है कि देखते ही देखते पूरा समंदर फ्रीज हो जाता है और वहाँ पर एंजॉय करने जितने भी लोग आए होते हैं वो भी सारे फ्रीज हो जाते हैं, यानी बर्फ बन जाते हैं। और ये सब कुछ टच बॉय सैटेलाइट की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड जो था और वही बाकी सैटेलाइट्स को कमांड कह रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अब देखते ही देखते पूरा डच बॉय इस वायरस की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से सारी सैटेलाइट्स भी इन्फेक्ट होने लगते हैं और बाद में पूरा सिस्टम खराब होने के बाद जियोस्ट्रोम का अलर्ट आने लगता है कि आने वाले 1.5 घंटे में पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। लेकिन अगर इससे बचना है तो डच बॉय सैटेलाइट को रिस्टार्ट करना होगा, जिसकी वजह से उसका पूरा प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा, जिससे सिस्टम खुद को रिपेयर करेगा और वायरस को खत्म कर देगा। लेकिन सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक एक्सेस चाहिए होगी। अब ये सारी बातें जेक मैक्स को बताता है, तब ये सुनकर मैक्स को काफी गुस्सा आता है कि प्रेसिडेंट आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो इसलिए वो प्लान बनाने लगता है कि आखिर कैसे प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक एक्सेस ली जाए। तब मैक्स को परेशान देखकर उसका बॉस उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो यहाँ पर मैक्स अपने बॉस को सारी बात बता देता है कि शायद प्रेसिडेंट का ही हाथ है विकसित देशों को तबाह करने का। अब ये सुनकर उसका बॉस पूछता है कि तुम्हें कैसे पता उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। अब ये बात सुनकर मैक्स काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट की तो बात ही नहीं की थी, और इसीलिए मैक्स समझ आता है कि चाहे इसने प्रेसिडेंट का हाथ हो या ना हो, लेकिन मेरे बॉस का हाथ जरूर है। अब उसका बॉस उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन मैक्स वहाँ से बचकर भाग जाता है और वो अपनी फ्रेंड यानी उस एजेंट को सारी बात बता देता है। अब क्योंकि वो लड़की एक एजेंट थी तो प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उसकी थी, इसीलिए वो जानबूझकर पब्लिक प्लेस में फायरिंग करती है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को लेकर जाना पड़ता है। वो प्रेसिडेंट की बाकी गार्ड्स को भी मार देती है और उसे अपने साथ एक गाड़ी में ले जाती है, और उस गाड़ी में मैक्स भी था, जहाँ पर मैक्स उस प्रेसिडेंट को सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन तभी मैक्स के बॉस के कुछ लोग वहाँ पर आकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, उन पर बहुत ज्यादा फायरिंग करने लगते हैं, और तभी यहाँ का वेदर भी अचानक से चेंज होने लगता है, यानी खराब होने लगता है, और यहाँ पर भी काफी अर्थक्वेक आ रहे थे। अब जेक ने डच बॉय को इस तरह से सेटअप किया हुआ था कि अगर जियोस्ट्रोम को अलर्ट आए तो ये पूरी सैटेलाइट अपने आप से ही सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि ये जमीन पर आकर ना गिरे। अब इसी सेल्फ डिस्ट्रॉय की वजह से वो स्टेशन भी तबाह होने वाला था। अब वहाँ पे साइंटिस्ट के पास सिर्फ कुछ मिनट ही बचे थे वहाँ से भागने के लिए। जेक सबको ऑर्डर देता है कि वो सटल में बैठकर वहाँ से चले जाए, और यहाँ पर जेक को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है कि किसने डच बॉय में वायरस को इंसर्ट किया था। असल में वो उन्हीं की टीम का एक मेंबर था जो कि स्टेशन कमांडर था, और ऐसा करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। यहाँ पर जेक और उसके बीच काफी फाइट होती है, जिसमें गलती से वो स्टेशन कमांडर एक बटन प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से मौजूदा स्पेस स्टेशन की इस सेक्शन की विंडो खुल जाती है, जिससे वो लड़का डीप स्पेस में चला जाता है। डच बॉय आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही होने लगती है, और इस तबाही में सुनामी आ गया था। मुंबई में काफी बड़ा तूफान आ जाता है। मीनवाइल मेक्सिको में हीट वेव आ जाती है। वो सारे साइंटिस्ट टटल में बैठकर जमीन पर आने वाले थे, लेकिन जेक जो के जाने के लिए तैयार नहीं था, तब स्टेशन कमांडर वहां पर आकर उसकी हेल्प करती है। दूसरी तरफ मैक्स और उसके बॉस की लड़ाई में प्रेसिडेंट की वजह से मैक्स का बॉस पकड़ा जाता है, और यहां पर वो सारी बात रिवील करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि मैं अब प्रेसिडेंट बनना चाहता था, क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट पर आती, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता और उसकी जगह मैं प्रेसिडेंट बन जाता। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट थे वो अपने बायोमेट्रिक से डच बॉय को रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट होने के बाद सिस्टम उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते सारी सिचुएशन ठीक होने लगती है, और जितने भी नेचुरल डिजास्टर हो रही थी वो अपने आप से ही बंद हो जाती है। लेकिन उनका स्पेस स्टेशन अभी डिस्ट्रॉय होने वाला था, जिसमें जेक और वो स्टेशन कमांडर थे। वो एक पुराने सैटेलाइट में छुप जाते हैं। उसके बाद पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वो डीप स्पेस में जाने लगते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहां पर जाकर गिरेंगे, जमीन पर पहुंचेंगे भी या फिर नहीं। लेकिन तभी उनका एक साइंटिस्ट वापस आता है और वो उनके सैटेलाइट को अपने स्पेसशिप से अटैच कर देता है और उन दोनों को सही सलामत बचा लेता है, और अब ये दोनों सही सलामत जमीन पर आ जाते हैं। इसके बाद एक और स्पेस स्टेशन बनाया जाता है, जिसका इंचार्ज जेक को बनाया जाता है, और उसे उसकी जॉब भी वापस दे दी जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप कि ये मूवी आप लोगों को पसंद आई होगी।